दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर मिश्रा। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि वॉशिंग मशीन का गेट कैसे चेंज करना है, अगर गेट टूट जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट कैसे करना है या चेंज कैसे करना, इसी पे हमारी वीडियो है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये IFB की फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन है। अब किसी भी कंपनी की फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन है, आप इसी तरह से गेट चेंज करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ, जो ये हमारे पास अभी वॉशिंग मशीन है इसमें जो प्रॉब्लम है वह आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गेट उसका टूटा कहाँ है। कांच नहीं टूटता है, दो चीज़ आप ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा गेट ही टूटता है। और गेट में क्या टूटता है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए ये टूटा हुआ है। अब आपको बदलना क्या है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। बदलने के लिए इसमें कोई भी विशेष आपको कोई कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, बस मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप उस चीज़ को चेंज कर देंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं पूरा गेट ही चेंज हो जाएगा, तो आपको वो नहीं चेंज करना है। सिर्फ मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा, आपको चेंज कर देना है बस, आसानी से आप गेट बदल सकते हैं। गेट बदलने के लिए आपको डूर फ्रेम मंगाना है। ये देखो ये टूट गया है। डूर फ्रेम पर ही पूरा गेट को हम कस के रखते हैं। अगर अब देखो यहाँ पे है लगा हुआ है। अब इसको खोलने के लिए हम देखेंगे दो यहाँ पे स्क्रू लगे हुए, ये स्क्रू देख रहे हो और एक ये ऊपर है, इन दोनों को आपको खोलना है। पहले गेट को बाहर करेंगे तभी हम इसको चेंज करेंगे। तो आसानी से आपको इस स्क्रू को खोलना है, दोनों स्क्रू आप बाहर कर लें। तो जब बाहर करेंगे ना, तो आपको एक चीज़ बता दूं, गेट जैसे दोनों पेच खुल जाते हैं, अब आपको गेट को हल्का सा ऊपर उठाना है और बाहर निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं हल्का सा। अभी मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे आपको निकालना है। चलो ये भी पेच निकलने वाला है। देखो निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ लगा कैसे था। यहाँ पे देखो दो क्लैंप की तरह इसमें बने होते हैं, ये देखिए। थोड़ा सा और इधर ले आओ, दिखाता हूँ इनको। पहले इनको हम लगा देते हैं, क्योंकि इनको लगा के फिर हम निकालेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं, अब देखो लग गया। अब इसको थोड़ा ऊपर लेना है, देखो फंस गया है, इसको ऊपर ऐसे उठाना है, बस ये निकल गया। अब आपको यहाँ से निकल के बाहर चला गया। अब हमारे पास पहले से ही डूर फ्रेम इसका रख रखे हैं, ये देखो हम नया मंगा रखे हैं, तो इसका भी हम डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि यह कितने को मिलता है। अब इस गेट के साइड देखोगे ना, इस साइड में तो यहाँ पे 10-12 पेच लगे हुए हैं। आप इन पेच को खोलेंगे, ये ग्लास है, ग्लास देखो ऊपर साइड है। अब यहाँ साइड साइड देखेंगे ना, तो यहाँ पे जितने भी स्क्रू लगे हैं आप इन स्क्रू को खोलना है। अब आपको आसानी से खोल लेना जितने भी स्क्रू हों। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके चैनल पर पहुँचे। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें। इसी तरह से आपको पूरा इसका नट अब खुल गया, अभी यहाँ पे है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे खोल रहे हो आपको उसी तरह से लगाना है, ठीक है। आप जो इस साइड का जैसे खोलना है उसे, अब देखो हम इसको उठाते हैं, ये उठ गया है, ये नहीं ख़राब होता, ठीक है, ये नहीं ख़राब होता। अब आपको ग्लास को, ये देखो ये हैंडल है, हैंडल को आसानी से निकाल लेना है, आसानी से निकल जाता, हैंडल निकल गया। अब इस ग्लास को आपको उठा लेना है। अब फिर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये, हाँ हाँ, इसको सबसे पहले देखना है कि जो हम गेट पे टाइट करते लगता है इसी को, इस पे ध्यान देना है। हम इसकी पन्नी फाड़ते नए वाले को,
पहले गेट को ये जो डोर फ्रेम है इसको रखना है ऐसे ही। अब इस क्लोजर को आपको ऐसे पहना देना है, ये सीधा बिल्कुल लगा है, ऐसे ही लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्लास उठाना है, ग्लास के कटिंग रहती है उस कटिंग के साइज में मिलाना है, क्योंकि ग्लास आप बैठाओगे नहीं बैठेगा। अब यह हैंडल को लगा देना है, ग्लास की उसमें कटिंग है, उस कटिंग से और फ्रेम की कटिंग से आपको मिलाना है। अब देखिए ये टूटा हुआ है, देखो इसमें पेच लगा हुआ है, तो इसको आपको निकाल देना है। जो भी इसमें पेच अगर लगे हों, फंस गए हों, या इसका जो टूट गया हो, तो उसको आपको खोल देना है, तब ये आसानी से बैठेगा। अब यहाँ पे देखो एलफी से जुड़ा हुआ है, अब ये निकाल दिया गया। अब इसको हमें फंसाना है, तो हैंडल को बढ़िया से लगा देने हैं, तो हैंडल भी आसानी से लग जाता है। अब हैंडल में एक लॉक होता है, उस लॉक को आपको फंसाना है। अब इस कवर को रखते हैं ऐसे, देखो ये साइड देख लो, ये लॉक है, आपको ऐसे पलटना है, ये वाला भाग उधर रहेगा, इधर वाला इस हैंडल में, इस लॉक को जब प्रेस करेंगे ना तो उसी में आपको फंसा देना है। अभी नहीं फंसा, फिर से हमें उठाना है, जब फंस जाएगा ना तो बिल्कुल सही तरह बैठ जाएगा। अब ये फंस गया है, अब जितने स्क्रू थे आप सारे स्क्रू कस देंगे। तो दोस्तों आप घर पे ही इसको चेंज कर सकते हो, बहुत ही आसान है चेंज करना। बस अब जितने स्क्रू थे उसको हमको सबको हल्का हल्का सा कस देना है, फिर दोबारा एक बार हमें इसे रीचेक करना है। अब इसका जो ग्लास है वो ग्लास जल्दी नहीं टूटता, अगर मान लो ग्लास टूट भी जाता है तो आप ग्लास इसी तरह चेंज करेंगे, ग्लास भी मिल जाता है, आप ग्लास भी चेंज कर सकते हो, तो बहुत ही इजी है। अगर डूर ये गेट टूट जाता है ना फ्रेम, तो पानी निकलने लगता है, बाहर साइड गिरने लगता है, गेट सही से नहीं लगता। अगर गेट आप बंद करने की कोशिश करेंगे तो गेट सही तरह से नहीं लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें इशू रहता है। तो हम फटाफट इसको टाइट कर दे रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप समय कम कर सकते हैं, बहुत समय नहीं लगेगा, तो जितना आप तेज़ी से करेंगे अब दोस्तों ये देखो फटाफट फटाफट कार्य हो जा रहा है। और अभी एक थोड़ा सा है, अब इसको हम पुनः जो है टाइट कर देने, एक बार रीचेक करते हैं, यहाँ भी कसा है, और एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, लूज नहीं होना चाहिए, लूज होने से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो इधर भी कस गया, एक और है, तो चलो दोस्तों बिल्कुल टाइट हो गया है। अब हम इसको लगाएंगे, ये देखो कांच भी बैठ गया आसानी से, पूरा परफेक्ट हो गया। अब जैसे निकाला था, यानी कि ऊपर से नीचे एक साइड से बैठाना है, ये देखिए लॉक है, आपको ऐसे फंसाना है, पहले तो जाके बैठा ऐसे ऐसे फंसाओ, फिर नीचे एक साइड दबा देना है, ये दब गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो दो स्क्रू लगे थे उन दोनों स्क्रू को कस देना है, बस पहले हल्का सा पहनाना है, और इसको हल्का सा लगाना है, क्योंकि दोनों पहना लो, दोनों पहनाने के बाद तभी ये लगेगा, ऐसा नहीं है कि पहनाओ और दूसरे को ना पहनाओ, तो दोनों को बराबर हल्का हल्का सा आप दो दो चूड़ी कस दें, फिर इसको पूरी तरह से टाइट कर दें। बस ये फिट हो गया, और एक बार इसको भी नीचे टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल पूरा टाइट हो गया है। अब हम इसको गेट बंद कर रहे हैं, देखो बिल्कुल सही तरह हो गया, जो यहाँ से
उठा हुआ रहता था, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बंद भी हो रहा है। ये देखो हैंडल भी चेक कर लेते हैं और ये सही तरह से कार्य कर रहा है। तो इसी तरह आपको चेंज करना है। ये ग्लास है, ग्लास भी अगर टूट जाता है तो ग्लास इसी तरह से आप चेंज कर लोगे, तो इसको ज़्यादा आपको विशेष कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो फ्रेम है, डोर फ्रेम चेंज हो गया और आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आप भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का बहुत ही आसान मैंने तरीका बताया है, अब आप इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यही है डोर फ्रेम, इसी को कहते हैं। ये डोर फ्रेम ही जब ख़राब हो जाता है ना तो गेट लटक जाता है नीचे की तरफ, या डोर लॉक जो गेट सही तरह से बंद नहीं होता, तो ऐसे ऐसे इसमें प्रॉब्लम होती हैं। तो इसी पर ये सब कसा रहता है पूरा। ये देखो टूटे हुए हैं, तो इसको हम चेंज कर दिए हैं। आपको कभी पूरा गेट नहीं ख़रीदना है, दो चीज़ ध्यान देना है बस, इतना ही फ्रेम आपको चेंज कर दो बस खाली। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है, सही तरह से देखो बिल्कुल बैठ गए। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।